हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल में एक बार फिर से। तो आज हम बनाने वाले हैं चिकन कबाब। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं ये रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी कबाब बनता है और ऊपर से हमने इसको बटर से गार्निश किया है। तो चलिए आगे इसकी रेसिपी मैं आपको अच्छी तरीके से बताती हूँ। मैंने 250 ग्राम यहाँ पे चिकन लिए हैं, मिंस्ड करके, प्रॉपरली चॉप्ड करके। इसको अच्छी तरीके से धुल लिया है मैंने और उसको प्रॉपरली कच्चा मिक्सचर में ही ले लिया है। यहाँ मैं हाफ स्पून रेड चिली पाउडर डालूँगी, आधा चम्मच यहाँ पे हमने गरम मसाला लिया है, आधा चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है और यहाँ पे मैंने एक चम्मच लगभग चाट मसाला लिया है। अब इसमें चॉप्ड कटे हुए अनियन डाल लीजिए, एक मैंने बड़े अनियन ले लिए हैं इसको प्रॉपरली चॉप्ड करके। अच्छी तरीके से आप ले लीजिए इसको। इसमें स्वाद अनुसार आप नमक ले लीजिए और दो चम्मच हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। मैंने थोड़ा सा चिली भी इसमें क्रश कर लिया है, ग्रीन चिली। अब इसमें डालेंगे हमने आधा क्यूब जो था बटर का, उसको मैंने अच्छी तरीके से पिघाल के इसमें ले लिया है। और एक हम एग डालेंगे, कच्चा अंडा, इसको प्रॉपरली डाल दीजिए। और उसके बाद हम डालेंगे लास्ट में थोड़ी कटी हुई धनिया और उसके पहले हम डालेंगे 4 से 5 चम्मच ब्रेड क्रम, जो कि ये पेस्ट थोड़ा सा सूखा हो जाए, कबाब का शेप ले ले। 5 से 6 चम्मच आप इसमें ब्रेड क्रम यूज़ कर सकते हैं। इसमें डालेंगे हम कटी हुई हरी भरी धनिया, भर के डालिए, इसका जो कलर होता है वो अच्छा आता है। और लास्ट में हम डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च। अब हमको इसको अच्छी तरीके से पेस्ट बना लेना है। देखिए मैंने इसका पेस्ट बना लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे तरीके से इसका बनाया हुआ है। देखिए इस तरीके से आप कर लीजिए। अब इसको बोल में ट्रांसफ़र करके आपको 1 से 2 घंटे के लिए आपको फ्रिज में रख देना है, थोड़ा सा सेट होने के लिए। मैंने इसको फ्रिज में से निकालने के बाद इसको थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर देने के लिए कोयले को अच्छी तरीके से गर्म करके और इस पर मैंने थोड़ा सा बटर डाल के इसको स्मोकी फ्लेवर देने की कोशिश की है। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है एक तरीके का, बट इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है आपके खाने में, कबाब में। देखिए इसको ढक दिया मैंने 5 मिनट के लिए, जब तक ये पूरा धुआँ उसमें कबाब में मिक्स हो जाए। देखिए ये पूरा हो चुका है। अब मैंने कटोरी को इसको बाहर निकाल लेना है। देखिए अब मैंने अपने हाथों में पूरा बटर या फिर ऑयल लगा लीजिए आप और इसको गोला गोला कर कर कबाब का शेप दे दीजिए। इस तरीके से आपको देना है। देखिए ये शेप बन के रेडी है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। मैंने पैन पे थोड़ा सा बटर ले लिया है, इसको अच्छी तरीके से फैला लेंगे और बारी बारी से हमको इसमें सारे कबाब धीरे धीरे रख देने हैं। हल्का सा दबाते हुए रखिए क्योंकि प्रॉपरली इस पर पक जाए। देखिए इस तरीके से आपको कर लेना है, बारी बारी से सारे कबाब को रख लीजिए। मैंने 5 से 6 कबाब को यहाँ पे यूज़ किया है। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और दही वाली चटनी के साथ, जो हरी वाली चटनी होती है उसके साथ ये बहुत ही स्वादिष्ट आता है। मैंने सारे कबाब ले लिए हैं। मैं ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा इस पर बटर लगा दूंगी ताकि दोनों तरफ से अच्छी तरीके से ये पक जाए। ये लगभग एक साइड से पक चुका है। अब इसको हम टर्न कर देंगे सारे कबाब को बारी बारी से, जो कि दूसरी तरफ भी अच्छे तरीके से पक जाए। ये देखिए ये कितना रेड हो गया और देखने में कितना ही स्वादिष्ट लग रहा है। आप भी बनाएं इसको और ज़रूर ट्राई करें और हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी चिकन कबाब की। अगर आप चाहें तो इसको सीख में भी लगा करके आप इसको पका सकते हैं। सारे कबाब को अच्छी तरीके से पका लीजिए, अच्छी तरीके से रेड कर लीजिए, जो कि कच्चा पन ना रहे, ना ही अंदर ना ही बाहर। फ्लेम आपको नॉर्मल ही रखना है, लो टू मीडियम में ही रखना है, क्योंकि अच्छे तरीके से आपके सारे कबाब पक जाएं। अब मैं चेक कर लेती हूँ कि पीछे भी ये पक चुका है कि नहीं अच्छी तरीके से। तो हाँ ये लगभग पक चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ कितना ही स्वादिष्ट ये और अच्छी तरीके से पक चुका है। ये देखिए
बहुत ही टेस्टी आता है खाने में, ज़रूर ट्राई करिएगा। चिकन आपको और अच्छा लगने लगेगा। अब मैं सारे कबाब निकाल लेती हूँ और मैंने प्लेटिंग भी कर दिया है। देखिए हमारे लगभग सारे कबाब बन के रेडी हो चुके हैं और मेरी प्यारी मम्मी अपने प्यारे प्यारे हाथों से दिखाएंगे इसको। तो अभी ये मम्मी तोड़ के दिखाने वाली हैं कबाब को। देखिए बहुत ही स्वादिष्ट बना था, यकीन मानिए आप ज़रूर इसको बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। अब हमने जो दही वाली चटनी बनाई थी, ग्रीन चटनी, उसमें मैंने इसको डिप कर दिया था। एंजॉय करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो